प्रश्न आठ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार विकल्प हमें यहां दे रखे हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, दिस इंप्लाइज ए बराबर फाइव या बी बराबर फाइव, अर्थात ए और बी दोनों रिक्त समुच्चय हैं। अब हम जानते हैं कि यदि ए रिक्त समुच्चय है और बी रिक्त समुच्चय है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई भी अवयव नहीं है तो उनमें कोई भी अवयव कॉमन भी नहीं होगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी भी फाइव के बराबर होगा। तो हम क्या पाएंगे, तो हम क्या पाते हैं कि विकल्प ए यहां सही है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव है, दिस इंप्लाइज कि या तो ए एक रिक्त समुच्चय है या बी एक रिक्त समुच्चय है। प्रश्न नौ, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव अर्थात रिक्त समुच्चय है, तो ये हमें क्या दर्शाता है कि ए और बी में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब यहां दिए गए विकल्पों में हम क्या देखते हैं कि ए माइनस बी यदि हमें निकालना हो तो ए माइनस बी से क्या अभिप्राय होगा, ए माइनस बी से अभिप्राय है कि ए के वो अवयव जो कि बी में नहीं है। अब बी में तो कोई भी अवयव नहीं है ए का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाइव है, तो ये मान क्या होगा, ये मान ए के बराबर ही होगा, अर्थात ए में ए के ही वो अवयव है जो कि है, अन्यथा बी का कोई अवयव नहीं होगा, तो इसलिए यहां विकल्प बी सही विकल्प होगा। प्रश्न 10, निम्न वेन आलेख का छायांकित क्षेत्र निरूपित करता है, ये हमें वेन आलेख मिला है। अब यहां हम क्या देखते हैं कि जो छायांकित भाग है वो क्या दर्शा रहा है, ए के वो अवयव जो कि बी में नहीं है। छायांकित भाग क्या दर्शाता है, ए के वो अवयव जो कि बी में नहीं है, और वो क्या हम जानते हैं, वो हम जानते हैं कि वो किसको निरूपित करता है, ए माइनस बी को निरूपित करता है। ए माइनस बी से अभिप्राय होता है ए के वो अवयव जो कि बी में नहीं, तो यहां कौन सा विकल्प सही होगा, इसलिए यहां विकल्प सी सही विकल्प है। प्रश्न 11, यदि ए बराबर समुच्चय है जिसमें अवयव कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 2, 4, 6, 8, तो a माइनस बी का मान होगा, a माइनस बी से हम क्या अभिप्राय मानते हैं, a माइनस बी से अभिप्राय होता है a के वो अवयव जो कि b में नहीं है। देखो एक देखते हैं हम, एक यहां तो है यहां नहीं है, तो एक लिख लिया हमने, दो यहां पर भी है तो इसलिए दो को लिखेंगे नहीं, तीन यहां पर नहीं है तो तीन को लिखना चाहिए हमें, चार दोनों में है, पांच यहां पर है परंतु यहां पर नहीं है तो पांच लिख लिया, छह यहां पर भी है इसलिए छह को नहीं लिखना। ए माइनस बी से अभिप्राय क्या होगा, जिसमें अवयव होंगे 1, 3, 5, अर्थात ए के वो अवयव जो कि बी समुच्चय में नहीं है। अब यहां विकल्प देखते हैं, तो विकल्प बी यहां सही है, 1, 3, 5। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है, यहां हमें चार कथन मिले हैं। पहला देखते हैं, 2, 3, 4, 5 एक समुच्चय है तथा दूसरा समुच्चय है 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त दो समुच्चय कब होते हैं, जबकि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। असंयुक्त समुच्चय के लिए अब देखेंगे कि यहां तीन है तो यहां भी तीन हम पा रहे हैं, इसलिए दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है क्योंकि उनमें एक अवयव है उभयनिष्ठ जो कि तीन है। बी विकल्प देखें, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है, तो यहां क्या पाते हैं हम, देखो ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है, अर्थात दोनों असंयुक्त नहीं है क्योंकि उनमें उभयनिष्ठ अवयव है, तो ये भी कथन असत्य है। अगला तीसरा सी देखें, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है, दोनों में कोई भी अवयव हम पाते हैं कि उभयनिष्ठ नहीं है। यहां पहले समुच्चय में सारी संख्याएं सम है, यहां पर विषम है, तो ये कथन सत्य है। बी देखते हैं, 2, 7, 10 तथा 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय है, यहां क्या है, 7 एक ऐसा अवयव है जो कि दोनों में है, अर्थात ये दोनों समुच्चय भी असंयुक्त नहीं है। तो असंयुक्त समुच्चय कौन से होते हैं, वे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, और यहां पर हम क्या पाते हैं कि विकल्प सी सही विकल्प है।
प्रश्न 13, यदि यू से हम क्या दर्शाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। यू बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए बराबर है जिसमें दो अवयव है 2, 3, और बी बराबर है 3, 4, 5, तीन अवयव है तो सत्य है, चार हमें कथन यहां पे दिए गए हैं। तो पहला देखें A union B dash, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा जिसमें हम इन दोनों के अवयवों को लिख दें, 2, 3 को एक बार लिखेंगे, फिर आएगा 4, 5, ये आ गया। तो ए यूनियन बी डैश से क्या अभिप्राय होगा, पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, वे अवयव लिखने होंगे जो कि यू में है परंतु इस समुच्चय ए यूनियन बी में नहीं है। तो वो कौन कौन से होंगे, एक होगा, दो तो होगा नहीं, तीन नहीं होगा, चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा, और होगा 6। तो ए यूनियन बी डैश 1, 6, परंतु यहां तो लिखा है 2, 3, 4, 5, इसलिए यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी देखें, बी माइनस ए से क्या अभिप्राय है, बी के वो अवयव जो कि ए में नहीं है, तो 3 यहां पर भी है तो ये तो लिखेंगे नहीं, 4, 5, ये दो अवयव है जो कि बी में है परंतु ए में नहीं है, तो ये बी माइनस ए यहां पे हमें कथन में मिला है 4, 5, अर्थात ये कथन सत्य है। नेक्स्ट देखें ए माइनस बी से क्या अभिप्राय है, ए के वो अवयव जो कि बी में नहीं है, तो ए के वो अवयव 2 है जो यहां नहीं है, 3 यहां पर है, तो 2 ही ए की अवयव आया, यहां हमें क्या दे रखा है 2, 4, 5, अर्थात ये कथन गलत है, सी भी असत्य है। नेक्स्ट देखें डी, ए यूनियन बी बराबर 3, हमने क्या पाया है, ए यूनियन बी है 2, 3, 4, 5, अर्थात ये कथन भी असत्य है। तो यहां कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, बी माइनस ए बराबर है 2, 4, 5। प्रश्न 14, निम्न प्रदर्शित वैन आरेख द्वारा छायांकित भाग निरूपित करता है, हमें एक वैन आरेख इस प्रकार से मिला है, यहां जो छायांकित भाग है वो देखिए इस प्रकार से हमें मिला है, तो वो हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का भी है और ए इंटरसेक्शन सी का भी है, दोनों का यूनियन है, और ये प्रश्न हम उदाहरण 6 में देख चुके हैं, उदाहरण 6 जो इस प्रश्नावली का है उसमें हम इसको देख चुके हैं कि ये भाग जो कि यहां छायांकित है ये निरूपित करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को, तो इसलिए यहां विकल्प डी सही विकल्प है। प्रश्न 15, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को निरूपित करने वाला वैन आरेख है, चार विकल्प हमें यहां इस प्रकार से मिले हैं, तो हम पहले देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी किस प्रकार से बनेगा, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी हमने लिख लिया, बी इंटरसेक्शन सी से क्या अभिप्राय है, ये वाला हिस्सा जो बी और सी दोनों में कॉमन है, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने छायांकित किया है ये बी इंटरसेक्शन सी है, अब ए का वो अवयव जो कि बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है जिसके ऊपर मैं अब पेन चला रहा हूं, अर्थात ए का वो हिस्सा जो कि बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, ये वाला हिस्सा, तो यहां हम क्या पाते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो यही हिस्सा है, इसमें हमने ये वाला हिस्सा तो लिया नहीं है क्योंकि ये तो ए इंटरसेक्शन क्योंकि ये तो बी इंटरसेक्शन सी में, इसको तो हमें छोड़ देना है और शेष ए के भाग को लेना है जो कि ये भाग हमने इस चित्र में ऑप्शन बी में प्रदर्शित किया है, तो इसलिए यहां विकल्प बी सही विकल्प है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन से संग्रह समुच्चय हैं, समझाइए। पहला प्रश्न है 8 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 8 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
या 8 से कम प्राकृत संख्याएं हैं। यदि हम 8 से कम सम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को देखें तो क्या होगा, वो होगा 2, 4, 6। तो हम इस पे एक मत हैं, अर्थात ये कथन जो है कि 8 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या 8 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हम एक समुच्चय बना सकते हैं। इसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा अवयव उस समुच्चय का अवयव है और कौन सा नहीं है। ये बात सुपरिभाषित है, तो इसलिए ये संग्रह एक समुच्चय है। यहां हम क्या पाते हैं, ये संग्रह एक समुच्चय है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत के बड़े नगरों का समुच्चय। अब ये बात, बड़े नगर ये जनसंख्या के हिसाब से भी हो सकता है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भी हो सकता है, तो इस पर एक मत नहीं बना जा सकता। किसी के हिसाब से, किसी के अनुसार, किसी मत के अनुसार अजमेर हो सकता है कि इस संग्रह में आए, किसी के हिसाब से नहीं आए, किसी के मत के हिसाब से नहीं आए। किसी के मत के अनुसार इस संग्रह में भरतपुर आए, किसी के अनुसार इस संग्रह में बीकानेर आए, और किसी के अनुसार नहीं आए। अर्थात बड़ा नगर होना सुपरिभाषित नहीं है, तो इसलिए ये एक समुच्चय नहीं होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का समुच्चय। अब ये विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति होना, तो किसी के मत के अनुसार एक वृत्त को इसमें शामिल किया जा सकता है, किसी मत के अनुसार इसको इसमें शामिल नहीं करना है, इसमें केवल हमें एक त्रिभुज को लेना है। तो इसलिए ये बात, ये जो कथन है, ये जो संग्रह है, वो एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अर्थात ये एक समुच्चय नहीं होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, संख्या 46 को विभाजित करने वाले सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। संख्या 46 को जो विभाजित करने वाली पूर्ण संख्याएं हैं, उस पर सभी एक मत होंगे, सभी एक मत हैं, अर्थात ये संग्रह एक समुच्चय है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये बात सर्वश्रेष्ठ जो है, ये सुपरिभाषित नहीं कर रही। किसी मत के अनुसार इसमें सुनील गावस्कर इस समुच्चय में आना चाहिए और किसी मत के अनुसार नहीं आना चाहिए। किसी मत के अनुसार इसमें महेंद्र सिंह धोनी को होना चाहिए और किसी के अनुसार नहीं होना चाहिए। अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है वो इसे सुपरिभाषित नहीं कर रही है, तो इसलिए ये एक समुच्चय नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न होगा, ये छठा प्रश्न है, ये सातवां और ये आठवां। तो छठा प्रश्न क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है, हम ये कह सकते हैं कि कौन सा इस समुच्चय का अवयव है और कौन सा इस संग्रह का अवयव नहीं है, अर्थात ये एक समुच्चय है। कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों का संग्रह। कवि कालिदास द्वारा रचित जो काव्य हैं, उनका जो संग्रह है वो एक सुपरिभाषित है, अतः ये संग्रह एक समुच्चय है। हम कह सकते हैं मेघदूत इसका अवयव है, रामचरितमानस इसका अवयव नहीं है, तो इसलिए ये एक संग्रह समुच्चय है। अगला देखें, भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह। अब किसी के अनुसार, किसी मत के अनुसार मिस्टर एक्स का योगदान दिया हुआ है, अतः वो इस संग्रह में, इस संग्रह के अवयव होने चाहिए और किसी के अनुसार नहीं होने चाहिए, तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार हम दिए गए जो हमें संग्रह दे रखे हैं, उनमें हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से संग्रह समुच्चय हैं और कौन से संग्रह समुच्चय नहीं है।